हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो देखिए, यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं और यही सोच रहे थे कि केक कहाँ कट की जाए। तो अनुज अंशिका बोल रहे थे कि पापा छत पर चलते हैं और छत पर सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग छत पर आ गए हैं और ये रखा हुआ है सामने केक, और अब करेंगे केक कट। तो देखिए, यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था, छत पर हवा भी चल रही थी और पिक्स भी यहाँ पर बहुत अच्छी आएंगी। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि केक यहाँ छत पर कट करेंगे। आप लोग भी आ जाइए और अब कर लेते हैं केक कट। था आज का सरप्राइज, आज है इनका बर्थडे और हमने केक कट कर लिया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी गुड विशेस इनको दें। तो देखिए, यहाँ मैं भी आ गई थी और हम दोनों ने मिलकर केक कट किया। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा व्यू है, ये देख सकते हैं आप। शाम के 7:15 हो रहे हैं और देखिए हमने कर लिया है केक कट, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सारा ग्रीन। और यहाँ मेरी सूख रही थी कनक, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद धूप निकली थी। और इधर अनुज अंशिका उसके पापा करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कर लिया है बर्थडे सेलिब्रेशन, छोटा मोटा जैसा भी किया है। तो खुशी से करना चाहिए, जो भी करते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो देखिए अनुज अंशिका और अनुज के पापा, आज उनका बर्थडे है और वो बैठा हुआ है अनुज। तो देखिए फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं अब नीचे, केक कर लिया हमने कट। और तो चलिए अब चलते हैं नीचे और करते हैं खाना बनाने की तैयारी। और खाने में भी आज मैं बनाऊंगी मीठे में खीर और मटर पनीर की सब्जी, क्योंकि पूरी के लिए बच्चों ने कर दिया है मना। तो पूरी तो मैं नहीं बनाऊंगी, रोटी और बस मटर पनीर की सब्जी। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पर। और यू देख सकते हैं, बादल दोबारा हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने सोचा कि इसको करना को इकट्ठा कर देती हूँ और अंदर कर देती हूँ, क्योंकि अभी पूरी तरह ये सूखी नहीं है। तो दोबारा इसको धूप निकलेगी तो मैं कल सूखने के लिए डाल दूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और मैंने रख दी थी गैस पर खीर बनने के लिए। तो देख सकते हैं आप, मैंने दूध चावल डाल दिए हैं और खीर पक रही है मेरी। तो इधर दूसरे गैस पर मैंने रख दी थी कढ़ाई, इसमें मैं बनाऊंगी पनीर। तो ये रहा सारा सामान पनीर बनाने के लिए। मसाला मैंने पीस लिया है और कुछ सूखे मसाले रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। सारी तैयारी कर ली है मैंने सब्जी की। और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था और तेल में गर्म होने पर मैंने जीरा डाल दिया था। जीरा चटक गया जाएगा तो मैं उसमें डाल दूँगी मसाला। तो यहाँ देखिए अनुज केक अपने लिए कट कर रहा है और मम्मी डैडी को भी दे रहा है। तो देखिए जीरा मेरा चटक गया है, तो अब इसमें मैंने मसाला डाल दिया है और मसाले को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, भूनूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं सूखे मसाले डालकर भी फ्राई करूँगी, बढ़िया से सोते करूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी पनीर और मटर। तो देखिए खीर मेरी अच्छे से पक रही है, और अब मैंने इसमें डाल दी शक्कर। तो आज मैं शक्कर डाल के खीर बनाऊँगी। तो देखिए साथ के साथ इसको मैं इसको चला दूँगी। ऐसा करने से जो मैंने शक्कर डाली है ना, उससे दूध फटेगा नहीं और मेरी खीर बिल्कुल भी फटती नहीं है, मैं शक्कर डाल के ही बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, अब इनको भी अच्छे से भून लेते हैं। और जैसे आप मसाले भूनेंगे वैसे ही आपकी सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। तो देखिए सूखे मसाले भी मैं अच्छे से भूनूंगी, और तो ऐसे ही सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है मेरी। तो देखिए यहाँ खीर भी मेरी पक रही है, और अब देखना इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है और बहुत टेस्टी बन जाएगी खाने में। तो देखिए मसाले मेरे सूखे जो मैंने डाले थे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं डाल देती हूँ मटर और पनीर, ये डालकर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए इनको भून लूँगी मसाले में अच्छे से, और फिर मैं इसमें डालूँगी जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी, और पकने के लिए इसको छोड़ दूँगी, कढ़ाई को ढक दूँगी। तो देखिए खीर भी बनने वाली है, थोड़ी देर तक खीर भी बन जाएगी।
तो देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और बस मैं इतना ही पानी डालूँगी। तो ऐसी ग्रेवी मुझे चाहिए सब्जी की, इससे ज़्यादा पतली मैं नहीं करूँगी। तो अब कढ़ाई को ढक देते हैं और थोड़ी देर बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो देखिए यहाँ मेरी खीर भी बन गई है, और अब खीर को भी ढक देते हैं। और मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया, आप देख सकते हैं, क्योंकि खीर बनकर तैयार है। और अब मैं सब्ज़ी भी चेक कर लूँगी एक बार, सब्ज़ी मेरी पकना शुरू कर दिया सब्ज़ी ने, आप देख सकते हैं। और इसको चला दूँगी मैं, और चलाने के बाद फिर मैं इसको ढक्कन से बंद कर दूँगी। और ऐसे ही उसके बाद हम लोग आ गए थे मंदिर में, क्योंकि साईं बाबा जी को भोग लगाना था। तो मैंने खीर का और थोड़ा सा हम घेवर लेकर आए थे, उसका भोग बाबा जी को लगाया है, उनकी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ उसके पापा दिया जला रहे हैं बाबा जी के आगे, और बाबा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा जी ऐसे ही हमारे साथ हमेशा रहना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमारे में घर में खुशियाँ बनाए रखना। देखिए भगवान के आशीर्वाद के बिना तो कोई काम भी सफल नहीं हो सकता, तो उनका आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि बाबा जी को भी भोग लगा देते हैं घर में, कुछ मीठा बना लेते हैं और उसका ही भोग लगाएंगे बाबा जी को। तो देखिए हमने पूजा कर ली है, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने देखा मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो सब्ज़ी में मैंने डाल दिया हरा धनिया, तो आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। मटर पनीर की बिल्कुल ना ज़्यादा पतली है ना गाढ़ी है, मतलब ग्रेवी एकदम बढ़िया है। और उसके बाद मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी, क्योंकि सब लोग मांग रहे थे खाना। तो देखिए मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं, और मैं सारी रोटियां बना लेती हूँ। तो अनुज के पापा यहाँ सबको खाना डाल कर दे देंगे, तो ऐसे ही मिलजुल कर हम काम कर लेते हैं सारा काम। तो देखिए यहाँ अनुज के पापा ने डाल दिया बच्चों के लिए, मम्मी डैडी के लिए खाना। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरी ओम साईं राम, बाय बाय।